एक बहुत बड़ी बीमारी का सामना पूरा हरियाणा देश और दुनिया वर्तमान में कर रही है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का एक संदेश देश की जनता को और हरियाणा की जनता को दिया, उस संदेश का पालन हरियाणा की जनता वर्तमान में अक्षरशः करती दिखाई दे रही है। यानी कि जो जनता कर्फ्यू 22 तारीख का था और उसके बाद लॉकडाउन की घोषणा देश के प्रधानमंत्री जी ने की, उसका पूरी तरह से पालन हमारे प्रदेश की जनता करे, इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं आपके माध्यम से। और जहां तक जनता के बीच में खाने पीने के सामान की वे दूसरी जरूरी वस्तुओं की कहीं भी कोई आवश्यकता महसूस होती है या कमी महसूस होती है, तो उसके लिए जहां एक तरफ सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं, दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी हम सब कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि हम सब भी इस बात के लिए तैयार रहें, कार्यकर्ताओं की सूचियां बनाएं। और हमने भी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में ऐसे कार्यकर्ताओं और आम जन की सूचियां बनाई हैं, जो समय आने पर जनता को जरूरत की चीजें, चाहे वो सूखे खाद्य पदार्थ हो या फिर बना हुआ भोजन हो, ये मुहैया करवाएं लोगों तक, इसकी तैयारी हमने पूरी कर ली है। और समय आने पर जब भी हमें आदेश होगा, एक एक कार्यकर्ता आम जन को साथ लेकर के पार्टी और प्रशासन के निर्देश पर काम में लग जाएगा। सर, कार्यकर्ताओं की पार्टी पदाधिकारियों की किस तरीके से ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि लॉकडाउन भी ना टूटे और सोशल डिस्टेंसिंग भी कायम रहे? जैसे मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का हमें आदेश प्राप्त हुआ है, तो हमने पार्टी के सब पदाधिकारियों को, सब जिला अध्यक्षों को और सब मंडल अध्यक्षों को ये कहा है कि आप सब लोग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार रहें। ऐसे सब कार्यकर्ताओं को सूचीबद्ध कर लें, जिसमें ऐसी सूची बने जो स्वेच्छा से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आमजन है, सरकार को किसी भी तरह के काम में अपनी मदद कर सके। ये सारा काम हमने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के जरिए लगाया है। एक महत्वपूर्ण सवाल किसानों से संबंधित है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि किसान अपनी फसलों की कटाई कैसे करेंगे, मंडी में अपनी फसलें कैसे लेकर जाएंगे। किसान सबसे महत्वपूर्ण है प्रदेश के लिए, ऐसे में किसानों की कंफ्यूजन कैसे दूर होगी? देखिए, बात ठीक है, चाहे विपक्ष के नेता कह रहे हैं या चाहे कोई किसान नेता इस बात को उठा रहे हैं, क्योंकि किसान की फसल पक कर के तैयार है और अभी सरसों की फसल की तो कटाई भी शुरू हो चुकी है और गेहूं की फसल भी 10 अप्रैल के आसपास उसकी कटाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस बार थोड़ी सी मौसम में जो अभी सर्दी है, नमी है, उसके कारण से पहले किसानों के मुकाबले थोड़ी फसल देर से आएगी, लेकिन फिर भी चिंता जायज है। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री जी ने अपना एक वक्तव्य दिया, उसमें भी ये बात कही है कि किसान को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है और न ही किसान से जुड़े किसी मजदूर को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके अलावा जितने भी कामकाजी लोग हरियाणा प्रदेश में हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़े मजदूर हैं, क्योंकि वो रोज कमाना और रोज खाना, इस व्यवस्था में उनका परिवार चलता है, तो उनको भी मैं संदेश देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भी कि किसी प्रकार की उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार के जो आदेश होते हैं उनकी पालना करें और हम सब मिल करके एक ऐतिहासिक संकट जो इस प्रकार का आया है उससे विजय पाने का संकल्प लें।